तो हेलो दोस्तों, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गेमिंग एरिया 51। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि WCC3 में कैरियर मोड को कैसे खोलें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसको खोलने के सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, तो आज अपन इन दोनों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो अगर आप लोगों को जानना है कि WCC3 में कैरियर मोड को कैसे खोलें, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। और चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। देखो भाई, WCC3 का जो कैरियर मोड है, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो दे दिया है, हाइप दे दिया जा रहा था, ठीक है ना, हवा बना दिया कि WCC3 में कैरियर मोड खोलना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा कठिन काम है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, WCC3 में कैरियर मोड आप इजीली खोल सकते हो, बिल्कुल ईजीली। सबसे पहले आज मैं बता देता हूँ भाई कि सबसे पहला जो तरीका है वो है भाई डेली मिशंस को करके, और डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनके जरिए, ठीक है ना। आपको पता है हर 14 दिन में आपको 20 कम से कम 20 कॉइन आपको ऊपर जो डेली रिवॉर्ड्स रहता है ना, ऊपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसके आपको मिल जाते हैं 20 कॉइन कम से कम, ठीक है ना। और डेली मिशन के भाई आप विश्वास नहीं करोगे, कल मुझे डेली मिशन से 40 कॉइन्स मिले थे, आज मुझे 20 कॉइन मिल रहे हैं इसमें, बट कल डेली मिशन से मुझे 40 कॉइन मिले थे। अगर आप लोग अप्रोक्सीमेट मान लो, अगर आपको सात दिन में 30 भी मिलते हैं, मतलब 150 कॉइन अगर आपको 7 दिन में मिलते हैं, तो मुश्किल से 15 दिन नहीं लगेंगे भाई, 15 दिन के बाद आप WCC3 का कैरियर मोड खोल लोगे, क्योंकि 50 कॉइन तो आपको वैसे ही मुफ्त में मिल जाते हैं, ठीक है ना। सबसे इजी तरीका है भाई ये, क्योंकि आपको 50 कॉइन तो वैसे भी फ्री में मिल जाते हैं, उसके बाद आप आसानी से इतने कॉइन जीत सकते हो कि आपको 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे कैरियर मोड को खोलने के लिए। लेकिन लोगों को क्या है ना कि लोगों को सब्र नहीं होता है, लोग सोचते हैं बिल्कुल एकदम से हर चीज़ मिल जाए। भाई एकदम से हर चीज़ नहीं मिलती है, मतलब तुरंत भी तुरंत हर चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन आप लोग अगर सब्र करो, 15 दिन कंटिन्यू WCC3 खेलो और उसके जो इजी मिशन है उनको कंप्लीट करो, तो आपको आसानी से कैरियर मोड ऑन ओपन कर सकते हो, आपको कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। भाई लोग बहुत सारे हैक बताने लगे इसके ऊपर से कि कैरियर मोड को कैसे वो करें, मतलब कैरियर मोड को कैसे खोलें, ये हैक ले लो, वो हैक ले लो, हैक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल से 15 दिन लगते हैं, 15 दिन मेहनत कर लो, WCC3 का कैरियर मोड वैसे भी खुल जाएगा। अब करते हैं दूसरे ऑप्शन की बात, जो बहुत कम लोग चुनते हैं भाई। जो दूसरा ऑप्शन है वो है भाई परचेसमेंट का। आपको अगर बहुत ज़्यादा जल्दी और आप अच्छे पैसे वाले हो, तो आप WCC3 में जो पॉइंट्स हैं उनको परचेस कर लो भाई। लोग आपको बताते होंगे वीडियो में कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस तरीके से खोल लो, उस तरीके से खोल लो, कुछ नहीं होता भाई। इट्स ऑल मतलब ऑल टाइम बकवास है ये सब। आपको WCC3 में कैरियर मोड खोलने के दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप कॉइन्स अर्न करो और कॉइन्स को मतलब उसमें फिर WCC3 का कैरियर मोड खोल लो कॉइन्स जैसे डेली रिवॉर्ड से, और अगर कॉइन्स नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट परचेस कर लो। परचेस करके आपको 149 में पड़ जाएगा, अब 40% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। तो भाई लोग, आप लोग समझ गए हो कि WCC3 में कैरियर मोड को खोलने का क्या तरीका है। मैं मतलब इससे ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बताऊंगा तो मतलब बकवास हो जाएगी, अब बकवास करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। आई होप आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया है तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय।